हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज पार्ट सिक्स वीडियो। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलीनोमियल्स। अप टू नाइन्थ क्लास ये काम ऑलरेडी आप कर चुके हो। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये आपने लोअर क्लासेस में किया हुआ है। नाउ इन दिस चैप्टर पॉलीनोमियल डिविडेंड इज इन द फॉर्म ऑफ पॉलीनोमियल, डैट वाई वी हैव टू राइट पी एक्स, पी मीन पॉलीनोमियल इन एक्स, डिवाइजर जी एक्स, जी आल्सो पॉलीनोमियल इन एक्स, ना कोशेंट क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर आर एक्स, क्योंकि ये सभी आंसर किस में है? पॉलीनोमियल्स में, इसलिए ब्रैकेट में एक्स राइट किया हमने। ये सारी पॉलीनोमियल एक्स में है। नाउ सी एग्जांपल, डिवाइड 3x² माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 बाई एक्स माइनस 1 माइनस x² एंड वेरीफाई दी डिवीजन एल्गोरिदम। नाउ अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट डिविडेंड मीन पी एक्स डैट इज गिवन 3x² माइनस x³ माइनस 3x प्लस 5। पहले तो बेटा इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब जो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म है उसको सबसे आगे लिखना है, डैट इज माइनस x³, देन उससे छोटे वाली प्लस 3x², देन माइनस 3x, देन प्लस 5। नाउ नेक्स्ट जी एक्स डिवाइजर हमें गिवन है एक्स माइनस 1 माइनस x², इसको भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। माइनस जो हाईएस्ट डिग्री वाली उसको आगे लिखना है माइनस x², देन 1 डिग्री वाली प्लस x, देन माइनस 1। अब इसको डिवाइड करेंगे, पी एक्स डिविडेंड को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और जी एक्स से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे आप फर्स्टली x³, तो माइनस x² को किसके साथ मल्टीप्लाई करें? माइनस के x³ बने प्लस x के साथ, तो राइट ईयर माइनस x³, देन x इंटू प्लस x प्लस x² माइनस 1 इंटू x माइनस 1x। फिर आपने क्या करना होता है, नीचे साइन चेंज करने होते हैं। अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अकॉर्डिंग टू डैट यू हैव टू चेंज द साइन। तो ये ऑपोजिट साइन है, इसलिए दोनों कट हो जाएंगे। दिस इज प्लस 3, दिस इज माइनस 1x², तो 3 माइनस 1x² कितना आ जाएगा? 2x². दिस इज माइनस 3x, दिस इज प्लस 1x, तो माइनस 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? माइनस 2x। ऊपर से नीचे कितना आएगा? 5। नाउ माइनस x² बाई विच नंबर वी हैव टू मल्टीप्लाई? वी विल गेट 2x², डैट मीन वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई माइनस 2। तो माइनस x² को जब माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 2x², देन प्लस एक्स इंटू माइनस 2 माइनस 2x, देन माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2। नाउ चेंज द साइन, हेयर इज प्लस वी विल राइट हेयर माइनस, हेयर इज माइनस वी हैव टू राइट प्लस, प्लस है तो माइनस। नाउ ऑपोजिट साइंस कैंसल, दीज आर आल्सो ऑपोजिट साइन कैंसल। नाउ 5 प्लस क्या है? 2 माइनस क्या है? तो 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 3। तो ये हमारा क्या हो गया? रिमाइंडर। इसको हम आर ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्या है? कोशेंट। ये हमारा डिविडेंड है और ये डिवाइजर है। अब उन्होंने क्या है, वेरीफाई भी करो। तो वेरीफाई कैसे करोगे? डिविडेंड इक्वल टू वी नो डैट डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो डिवाइजर का आंसर पुट कर दो, कोशेंट का आंसर पुट कर दो, प्लस रिमाइंडर का आंसर पुट कर दो। इसकी कैलकुलेशन करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो आएगा प्लस 3। इन सब की कैलकुलेशन करने के बाद देखोगे जो आंसर आया वो क्या बन जाएगा? डिविडेंड। तो हैंस क्या हो जाएगा? वेरीफाइड हो जाएगा। थैंक यू।